ओम श्री साईनाथाय नमः। शिरडी के साईं बाबा कौन नहीं जानता, मेरे बाबा की लीला अपरंपार है। जो परखने जाता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो बाबा की लीलाओं की हम क्या ही बात करें। आज एक ऐसी ही सुंदर सी लीला मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, जो कि स्मिता जी द्वारा बताई गई है। स्मिता जी बहुत ही सुंदर लीला बाबा की बताती हैं, जो कि उनके साथ हुई, क्योंकि वो उतना बाबा को नहीं मानती थी जितना कि उनकी माता जी मानती थी। उनके मम्मा बाबा पर बहुत श्रद्धा और विश्वास रखती हैं। तो स्मिता जी का अनुभव आइए सुनते हैं, और आप भी अपने मन में श्रद्धा और भाव से इस अनुभव को सुनिएगा, क्योंकि पता नहीं, क्या पता इस अनुभव को सुनने के बाद ही आपके भी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए और आप भी जल्दी जल्दी से अनुभव भेजें। और क्योंकि सच्ची श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य, छोटा या बड़ा, वो कभी भी असफल नहीं होता। उसे भगवान, आपकी मेहनत को भगवान कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, और जिसे अपने भगवान पर विश्वास है उसके लिए फिर हर कार्य संभव ना हो ना हो तब भी हो जाता है। तो आइए सुनते हैं स्मिता जी के इस प्यारे से अनुभव को, जो कि उन्होंने हमारी साईंदार फैमिली के साथ शेयर किया है। स्मिता जी कहती हैं कि मेरी मम्मी बाबा को बहुत मानती हैं, और वो मुझसे भी बोलती हैं कि 11 वचन बाबा के पढ़ा करो, बाबा को बुलाओ, बाबा को याद करो, बाबा की आराधना करो, बाबा के 11 वचनों से बाबा का पाठ करो। पर स्मिता जी MBBS करने के कारण उन्हें बाहर रहना पड़ता है। वो अपने घर से बाहर लखनऊ में रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी माँ की बात मानकर धीरे धीरे बाबा को बुलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो बाबा से जुड़ने लगी, बाबा को बुलाने लगी, 11 वचन पढ़ने लगी, तो हुआ क्या कि वो अपने MBBS के एग्ज़ाम नहीं दे पाई। अटेंडेंस की वजह से उन्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया। फिर क्या था, फिर बस उन्हें भी गुस्सा आ गया बाबा के ऊपर। उन्होंने बाबा को बोला, बाबा ये तुमने क्या किया, मम्मी ने जैसा जैसा बोला मैंने आपका वचन पढ़ा, आपको याद किया, आपको बुलाया, और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बाबा। फिर उन्होंने ये सारी बातें अपनी मम्मा को बताई, तो उनके मम्मा तो थे ही श्रद्धा से भरे हुए, अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास करने वाले। उन्होंने कहा कि तुम्हें बाबा और कुछ अच्छा देना चाहते हैं, इसलिए धैर्य रखो, बाबा पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब फिर उन्होंने अपनी मम्मा की बात मानी और धैर्य रखा, और हमेशा की तरह बाबा को फिर बुलाया, फिर बाबा को याद करना शुरू कर दिया। और फिर उनके सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हुए, उसमें बाबा की दया से उनके बहुत अच्छे नंबर आए और बहुत अच्छे अंकों से उन्होंने वो पास की। और फिर क्या था, फिर बस जब ऐसी लीला होती है तो भक्त का जो है विश्वास अपने भगवान के ऊपर और बढ़ जाता है। फिर उन्होंने बाबा को थैंक यू बोला, बाबा से बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी, और आज वो भी शायद अपनी मम्मा की तरह बाबा को इतना ही प्यार करती हैं। तो जिसको भी साईनाथ पर भरोसा है, बाबा उनकी हर इच्छा पूरी करते ही करते हैं। अगर कुछ बुरा भी होता है उस भक्त के साथ, तो वो भी उसके भले के लिए ही होता है, ठीक है। इसलिए आप भी अपना धैर्य, अपनी श्रद्धा बाबा पर बनाए रखें, जो होगा अच्छा होगा। तो स्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस परिवार के साथ अपना ये अनुभव साझा किया, हमें बहुत खुशी हुई। और मालिक ऐसे ही आपके साथ बहुत सारी लीला होती रहे, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में बाबा की लीला रूपी चमत्कार होते रहें। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है, आप सदा खुश रहें, आपके मम्मा भी हमेशा खुश रहें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो अगर आपको भी ये बाबा का अनुभव, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर आपके पास भी कोई लीला ऐसी ही है, छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी लीला अगर आपके पास है, तो घबराना नहीं है, शेयर करना है, भक्तों तक पहुंचाना है, चाहे मेरे माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। अगर आपको भी लीला बाबा की शेयर करनी है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय साईं राम।